करबुक तिप्रामो थानी आदंग्रक सिलासरी पीएस थानावो थांगै इन्सपेक्टर श्रीकान्त मजुमदार पाल बाय थांगै मालायका 23 एप्रिल ते 25 एप्रिल नि साल मारिव चाखमा कम्युनिटी नि हायाकेबा चाखमा दफानी आनंद चाखमा ते कांचनमाला चाखमा सिलासरी थाना बिसिंग बिथिचावै लांगमा जखा हिनै खनाय थांगै मालायका ब्लक प्रेसिडेंट हिरानमय त्रिपुरा ते वाइस प्रेसिडेंट मल्टो मोहन ते सेक्रेटारी विशाल देवरुमा ते जतो सेंकरा आदंग्र अच्छा, सबसे पहले हम आज सिलासरी पीएस में आना पड़ा, कारण यहाँ पे जो परसों एक घटना हुआ था, यहाँ पे घटना हुआ था, एक चाकमा एक बेटी एक बेटा इनको लाभ हुआ था, वो लाभ कारण से उनको कुछ कहानी बन गया था इनकी। यहाँ पे किस लिए हुआ था, इनको जो इन दोनों प्रेमी में था, प्रेमी में होने के बाद इनका माँ बाबा राजी नहीं है, और जो लेडी का भी इनका माँ बाबा राजी नहीं है, और जेंट्स का भी इनका भी माँ बाबा राजी नहीं है, तो उनको दोनों को अलग अलग करके रख दिया और लेके गया था गांव से, अपना अपना गांव में लेके गया था। वहाँ लेके आने के बाद फिर दोबारा फिर से इनको प्यार हो गया, फिर दोबारा वो भाग गया था। फिर वहाँ से जो समाज का लोग उनको, जो चकमा समाज का कारबारी उन जो चकमा समाज का जो लीडर, बड़ी लीडर है, वो फिर दोबारा लेके इनको पीएस में इंफॉर्मेशन करके और जमा करके देके गया इनको। और ये चकमा समाज में उनको सबको लेके आने के बाद सिलासरी पीएस में दे दिया इनको। देने के बाद फिर सिलासरी पीएस में वो डेट हो गया था, उस टाइम में उनको लेके आया था 23 तारीख को लेके आया था इसी महीना में। तो वो उसी दिन में एक घंटा के बाद फिर उनको थाना में पूछपाछ करने के बाद फिर दोबारा इनको, फिर जो लेडीज है वो उल्टी होना शुरू हो गया। फिर वहाँ पर उस समय वो मौजूद था हमारा जो सिलासरी उसी, वो मंजूर है। इसके बाद और भी जो ग्राम लोग वो भी है, वो होने के बाद भी वो उल्टी हो गया था। उल्टी होने के बाद फिर इनको सिलासरी हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया, भर्ती कर दिया वहाँ पे, और वहाँ से भी रोग नहीं पाया बोल के वहाँ से फिर जीबी में रेफर किया था। और जीबी में रेफर करने के बाद जीबी आधी रास्ते में वहाँ पे एक लेडीज ख़त्म हो गया था वहाँ पे, और एक जेंट्स है वो है जीबी में, नेक्स्ट दिन मॉर्निंग उस टाइम पे वो फिनिश, उनका नाम है कांचनमाला चकमा। इसके बाद 25 तारीख मॉर्निंग में 5:30 बजे करीब वो ख़त्म हो गया, उनका नाम है आनंद चकमा। ये दोनों का दोनों ख़त्म हो गया। अभी ख़त्म होने के बाद फिर यहाँ पे पीएस में आके डेपुटेशन भी किया है ग्राम पंचायत का लोग, उसी में डेपुटेशन करने के बाद भी उनका सब कुछ क्लियर हो गया, मामला ख़त्म हो गया। फिर और एक कुछ उनका जो गार्जियन लोग के साथ बातचीत होने पाया, अभी तो शुरू हम सिलासरी थाना में उसी के साथ हमने बातचीत किया है, और उसी साथ भी वो क्लियर करके बता दिया था।